राजस्थानी भाषा का समाचारों में सबसे पहली जिकी खबर है बा है अपने खातिर एक सौगात्री। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर राजस्थान में 6000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सी। रिलायंस पावर और राजस्थान सरकार के बीच में मुख्यमंत्री का दफ्तर माते कागदा में आज दस्तखत हुआ। इस मौका पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और रिलायंस पावर के चेयरमैन अनिल अंबानी मौजूद हैं। रिलायंस एनर्जी 7 साल की अवधि में सोलर पावर प्रोजेक्ट माते काम पूरा कर सी। रिलायंस पावर 6000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट पर 50,000 करोड़ को निवेश कर सी। सोलर प्रोजेक्ट से 20,000 लोगों ने रोजगार मिल सी। आ प्रोजेक्ट खातर 12,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए सी, जिरमाए प्रति मेगावाट 4 लोगों ने रोजगार मिलवा की भी बात कही जा रही है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से बड़बाड़ी बिजली बारे बेची जासी और जरूरत पड़बा माते बा राजस्थान सरकार भी खरीद सकेला। वो सोलर प्रोजेक्ट जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर जिला रिमाए लागसी। 2 हफ्ता रिमाए वो 30 रो कागज है जी माते बिजली बनाबा ने लेर दस्तखत हुआ हा। MOU से पहली रिलायंस एनर्जी आपरो प्रेजेंटेशन दियो। इके पाछे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रिलायंस एनर्जी का पोखरण में बनिया धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क की 100 मेगावाट सोलर CSP प्रोजेक्ट को रिमोट कंट्रोल से लोकार्पण भी करियो। बीच रिमाए चौकी खबर आ है कि राजस्थान अबे सूरत से बनवाली बिजली ने लेर 1 मार्च से देश रिमाए पहला नंबर माथे आ जासी। मार्च में राजस्थान गुजरात ने पाछो छोड़ देसी। अब राजस्थान में 865 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट बिजली बना दिया है। मार्च में 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और शुरू करिया जासी, जी के माए राजस्थान की क्षमता 1165 मेगावाट हो जावेला। अब 930 मेगावाट के सागे गुजरात पहला नंबर माते है। मार्च में 1 में पावर को जोधपुर जिला रिमाए 100 मेगावाट को सोलर प्रोजेक्ट, एजोन पावर को 100 मेगावाट को पावर प्रोजेक्ट, सन एडिसन एनर्जी को 30 मेगावाट को प्रोजेक्ट और ग्रीन टुडे एनर्जी को 50 मेगावाट को सोलर प्रोजेक्ट रो उत्पादन शुरू हो वाड़ो है। बीच रे माए खबर मुख्यमंत्री का दफ्तर सु है, जटे वसुंधरा राजे जिलेवार प्रभारी और प्रभारी सचिव मंत्री और सचिवों के सागे हताई रे माए लागोड़ी है। काले मंत्री और प्रभारी सचिव आप रा जिला रे माए बैठक करी और समस्या ने लेर बजट में जिलेवार शामिल करवाला 5 प्राथमिकता माते बात करी ही। काल की बैठक पर CM वसुंधरा राजे आज सगड़ा जिला का 12 में मंत्रियां और प्रभारी सचिवों से फीडबैक और रिपोर्ट ले रही है। प्रभारी मंत्री जिला की रिपोर्टा तैयार कर लिया है। जिला रिपोर्ट CM ने देगी है। फीडबैक बैठका का शुरुआत में भरतपुर संभाग का जिला से करेगी ही। इसके पाछे बीकानेर संभाग, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग रा जिला में फीडबैक लेबा को कार्यक्रम चल रही है। मंत्रियों की रिपोर्ट और फीडबैक में मिला सुझाव ने बजट में शामिल करवा माथे जोर रखी जैसी खबर माते हताई खातिर अपनी लारे फोन माते अब जुड़िया है गोवर्धन। गोवर्धन आप पूछानो चाह रहे हैं जी की मुख्यमंत्री का दफ्तर में हताई चल रही है बी अरे मायने हर जिला से 5 प्राथमिकता आबा की बात कही जा रही है, जोर कौन सी समस्या माते है? देखो बैठक संभागवार जगह जिला भी साबु चयन करिया सौ पहली भरतपुर संभाग का जिला लिया के बाद बीकानेर संभाग हुई और अबार जयपुर संभाग का जगह जिला है। बाकी बैठक CM मुख्यमंत्री ने चल रही है। खास बात आ है कि संभाग की समस्याओं के भी जिक्र मायने फीडबैक लियो जा रहे हो कि जिकी काल जिला के मायने जिला स्तर पर जिकी बैठक करी गई बम जनता और जनप्रतिनिधि जिका भी सुझाव दिए वे सुझाव काई है। बी के अलावा बजट में काई काई चीजा जिका 5 बिंदु है वे काई काई शामिल करो जावे तो हर मंत्री आप आपका जिला की रिपोर्ट पेश करिए साथ में जिका सुझाव है बाकी रिपोर्ट भी दी है। अबार तानी जिका मोटा सुझाव आ रहा है बिजली सड़क और पानी ले रही ज्यादा है और हर जिला के मायने सड़क की बिजली की और पानी का जगह प्रोजेक्ट है बांध टाइम पर पूरा करवा की भी डिमांड है और मेडिकल के मायने खास तौर में एक बात आ रही है कि जगह डॉक्टर की कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है बा एक प्रमुख तौर में हर जिला के मायने कॉमन एक समस्या के तौर पर जगह जनप्रतिनिधि प्रथम सुझाव दिए है वह भी CM ने जगह मंत्री है वह हर जिलाओं मोटा मोटा पॉइंट रखा जगह बुनियादी जरूरतों जुड़ी चीजें हैं बन जल्दी ठीक करी जावे। तो गोल्डन अबार से कौन कौन सा जिला ऐसा है जहाँ की रिव्यू मीटिंग रो काम पूरा हो चुकी है? देखो संभागवार जिला लिया है, 2 संभाग हो चुके हैं, 3रो जयपुर संभाग है वो चाल गए। शुरुआत भरतपुर संभाग का जगह जिला है बाऊ हुई, इसके बाद बीकानेर संभाग का जिला हुई और अब जयपुर संभाग का जगह जिला है सीकर, झुंझुनू,
और जयपुर अलग है और अलवर आगा का जिका 4-5 जिला का जिका प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव के भी बैठक चल रही है, जिलेवार साउ फीडबैक लियो जा रहे, लिखित रिपोर्ट भी है। और तो मोटी बात का ही समझ सका कि बिजली पानी रा मसला और गेला में जिके है जो टूटी सड़क है आकी ही ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। बिल्कुल, बुनियादी ढांचा जुड़ी ज्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही है, साथ में जगह मेडिकल की जी समस्या है गाँव मायने या जगह छोटा छोटा शहर मायने डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर है तो टाइमली आबा की नहीं, आबा की समस्या है। लेकिन मोटी काम इसका की शॉर्टेज और सर्विस डिलीवरी की ज्यादा समस्या है। स्कूल माते भी कोई हताई हुई स्कूल को ज्यादा समस्या तो नहीं, लेकिन जगह स्कूल बंद हुआ और भी स्वाद भी चालू करवा समाज की व्यवस्था बिगड़ी भी किसी की चीज आ रही है, लेकिन मोटो सूझा हुआ है कि चालती चीजें है बंद डिस्टर्ब नहीं करी जावे, कदे बंद करे कदे खोले, तो लोगों को सुझाव हुआ है। ठीक सा गोवर्धन की जानकारी खातिर तो जिका गोवर्धन समाचार पुगाया बाक हिसाब सु सात संभाग में जिलावार समस्या बातें हताई कर रही है, मुख्यमंत्री मंत्री बटे मौजूद है, भरतपुर और बीकानेर को काम वेगो है, अब जयपुर को काम चल रही है। अगली खबर माते हाल अब पाछला दिना 7 फरवरी ने प्रधान पद का चुनाव की टेम पर खंडार कस्बा में हुई पुलिस फायरिंग और पथराव की घटना की निष्पक्ष जांच करवावा की मांग न लेर राजपूत समाज का लोग परचो दियो और नारेबाजी करी। ई टेम पर कासा लोगा की पुलिस अधीक्षक की सागे बोलचाल भी होगी। राजपूत समाज का लोगा रुके आरोप हो कि खंडार रा थाना अधिकारी लोकेंद्र चौधरी एक समाज विशेष को साथ दियो और भेदभाव करबा को बामाते आरोप भी लगायो। ये सगला जना खंडार थाना अधिकारी ने हटावारी मांग करी है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी है चाहे वो कोई भी हो पुलिस के सामने सब करते हुआ है, जो भी अपराधी है वो गिरफ्तार होना चाहिए और विधायक की गाड़ी में जिसे आग लगाई है उनका गिरफ्तार किया जाना चाहिए और खंडार का जो थानेदार है SHO है लोकेंद्र चौधरी उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, नहीं तो राजपूत समाज कोई भी कदम उठाने के लिए आगे तत्पर रहेगा, तैयार है, चाहे फिर उसके लिए हमको मरना पड़े। दूजी तरफ सवाई माधोपुर सु जयपुर रवाना होबा सु पहली राज्य आज खंडार में प्रधान रा चुनाव की टेम हुई हिंसा में मारा गया दूलीचंद का घराड़ा सु मिली राज्य मृतक का परिजन ने 5 लाख रुपया की सहायता राशि को चेक भी दियो और बने सांत्वना भी दी। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 फरवरी ने राजस्थान दौरा की तैयारियां में जोर शोर सागे लगी है। पीएम मोदी 19 फरवरी ने श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ में सोइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की लॉन्चिंग कर सी। कार्यक्रम में 11 राज्यों से मुख्यमंत्री भी शामिल हो सी, बटे ही 13 राज्यों का कृषि मंत्री भी ई रेवाए ने पूछ सी। पीएम बनबा की पाछे मोदी पहली बार राज्य का दौरा माथे आ रही है। हाल में राज्य सरकार कोई कमी बाका स्वागत सत्कार मायने को नहीं छोड़बो चावे, सरकार करीब 2.5 लाख से लेर 3 लाख भीड़ ने कार्यक्रम में जुटावा को लक्ष्य रखे है। सभा स्थल माते लोगों के बैठबा की तैयारी करी जा रही है। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ की निगरानी रमाए 5 मंत्री दौरा की तैयारियों में लगे हुए। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 19 तारीख को होने जा रहा है, इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से सभी प्रकार के प्रयास हम लोगों ने शुरू किए हैं। मौका निरीक्षण भी हम लोगों ने किया, सभा स्थल का भी मौका हम लोगों ने दिया और इवेंट मैनेजमेंट को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की सभा से संबंधित हो चाहे कई ठहरने से संबंधित हो कोई कमी नहीं रहना चाहिए। लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों के छाया की बैठने की व्यवस्था की डायरेक्शन हम लोगों ने जारी। अगली खबर में अब नजर आकेला मामलो स्वाइन फ्लू से जुड़ियोड़ो है। जोधपुर में 70 साल की एक विदेशी लुगाई री इस बीमारी से मौत हो गई है। ये विदेशी लुगाई ने बीरो मित्र काले रात ने अठलेर आयो हो पर विदेशी लुगाई की सागे आयोडो एजेंट अचानक गायब ही गो जी कारण से मरवाली लुगाई का कागज कोनी मिलिया। शुरुआती जाँच रे माए मरवाली लुगाई ने स्विट्जरलैंड को बताया जा रही है जिकी लाश ने मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में मिलवाई गयो। जठबी का पोस्टमार्टम पाचे आगे की प्रक्रिया होसी। बीच में मृतक की सागे आयोडो समूह MDM अस्पताल पुग्यो। आपने बता दिया कि स्वाइन फ्लू का कहर चू पश्चिमी राजस्थान में मोतारो आंकड़ों 2 दर्जन के भी बारे पुग्यो है।
स्विट्जरलैंड की रहने वाली एक महिला 70 वर्षीय एनी मेरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें पहले कैंसर के लिए ऑपरेशन करवाया जा चुका था और कल हमारे यहाँ निमोनिया करके एडमिट हुई थी। और चूंकि स्वाइन फ्लू काफ़ी रोगियों में देखा जा रहा है, इसलिए उनका स्वाइन फ्लू का टेस्ट भी कराया गया था और बहुत ही गंभीर स्थिति में हमारे यहाँ भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और भी ब्लड प्रेशर वगैरह उनका ठीक नहीं था, उसके लिए दवाइयों से उनको सपोर्ट करके कोशिश की गई थी। राजसमंद भी स्वाइन फ्लू का कहर सु अच्छू तो कोनी रियो, जठे एक लुगाई किस्सा के दो जना री मौत ई बीमारी के कारण सु पहली ही हो चुकी है। राजसमंद जिला चिकित्सा विभाग अबे घर घर सर्वे कर बाबा में लागेड़ो है। उदयपुर में इलाज की टेम पर रेल मगरा निवासी 42 साल का बाबूलाल सालवी की मौत होगी है। बटे ही जिला का विनोल निवासी 53 साल की एक लुगाई भी ई बीमारी पाचे समाएगी है। एक तरफ प्रदेश में स्वाइन फ्लू को कहर बढ़ तो जा रही है, सगड़ा प्रदेश में स्वाइन फ्लू को कहर चाल रही है, तो दूसरी तरफ ई कहर सु बचबा ने हाड़ोती भी अब जतन रमाए लगेड़ो है। स्वाइन फ्लू का इलाज खातिर धर्मादा आली संस्था आगे आई है। संस्था की तरफ से स्वाइन फ्लू का बचाव खातिर कार्डो बांटियो जावे, जिन्हें पीबा खातिर खासा लोग अठे आ रही है और वो भी निःशुल्क। प्रदेश में स्वाइन फ्लू को कहर का चालता चिकित्सा विभाग हरकत में आयो है। प्रदेश का सगड़ा जिला रिमाए बीमारी से बचबा का जतन बताया जा रहा है। माउंट आबू में चिकित्सा विभाग का संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजा चावला पासाड़ा रिमाए पड़वाला टाबरा की सरकारी अस्पताल में जांच का कार्यक्रम ने देखो और टाबरा ने दवाई बांटबा का काम ने भी अठे निगाह में रखियो। मेन तो जो हमारे स्वाइन फ्लू के और डिवर्मिंग प्रोग्राम में सबसे आते स्वाइन फ्लू में मेन जो बच्चों को या जो अभिभावक है उनको हम यही बताते हैं, जिन बच्चों को भी जुकाम हो, खांसी हो, फीवर हो या गले में खराश हो, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। वहाँ सभी तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को पाई जाती है तो सबसे मेडिसिन दी जा रही है। जालौर में सियाड़ा को असर अभी कम उबा लागियो है और गर्मी बढ़वा सागे ही अठे पीबा का पानी री मांग माथे जोर दिखवा लागियो है, पर नुआ पानी का कनेक्शन अठे हाल में कोनी मिल सकेला। मार्च के पाछे सु मई का मौसम ने आया पहली तक पानी रो विभाग नहीं टूटा खातर कनेक्शन कोनी देसी। गाँव रे माए 82% पानी फ्लोराइड वालो है और बीमारी सु बचबा ने लोग छाणियोड़ो पानी पिया करे। जिला रे माए जेएन रा 13 पदा में सु 11 रीता पड़िया है। जिला का लोग खातर नर्मदा रूपाणी सपनों है, पर वो भी हाल पूरो कोनी हो सक्यो है। 12 में 10वीं क्लास में पढ़वाड़ो एक टाबर लक्की एक साल पाछे भी घराड़ा ने कोनी मिलियो। आज भी लक्की का घराड़ा भी ने हेरबा का जतन कर दिया है। बट ही जांच रे माय लागी पुलिस ने भी लक्की को कोई सुराघात कोनी लगियो। घराड़ा रो कहणो है कि बांका टाबर ने हेरबा खातर पुलिस रा जतन चोखा कोनी दिख रिया। आपने बता दिया कि 16 जनवरी 2014 ने आपरा घर के बारे सु खेल तो लकी गुम गयो हो। उसमें तलाश के तहत जो भी पुलिस के तरीके होते हैं सारे इस्तेमाल किए गए। अभी तो उसको लड़का मिल नहीं पाया। अभी मैं तलाश फुल डिटेल के आधार पर कोई मोबाइल रखने की बात उसके साथ सामने आ नहीं रही। अब तक मोबाइल इस प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट उसके पास में नहीं है, तब तक कोई सर्चिंग नहीं सकता। आओ चल यार, तो अपन करा का है मैं जान तर पड़ा हो पड़ा मोड़ा में दिल भुला ली तू मैं रात में नींद ना हुआ भूख न लागे लडे रोटी की का तब मैं रोटी धरी रहा पलंग पर मारी से वाई हुई करो तो मारे चोरो जो काई जो अतरा मन के मारे ये सारा है तो काई काम का जो मार तो वो चोरो मारे याद रहे तो बुकरु काई। खबर है राजस्थान री रिमाए अब एक थ्यावस को टेम उगो है। थोड़ी दार में आप रे बीच फेर बने रिमला आप भी बने रिजो राजस्थानी भाषा का समाचार हम राजस्थान क्रिकेट संघ ने ले रोजिना नुआ बयान सामी आया करे। कोर्ट रा ताजा आदेश पाछे काले ललित मोदी समूह रा लोग अमीन पठान माथे आरोप लगायो हो, जिरे माय सफाई देवा ने आज पठान आपरी बात कही और कियो की घरेलू क्रिकेट ने बचाबा खातिर अबे ललित मोदी ने जिद छोड़नी होसी
और सरकार से भी पठान मदद री मांग करी है। आरसी तख्ता पलट का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये मामला जो है अब विवादों से गहराता जा रहा है और अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार जो है प्रेस वार्ताओं के दौर शुरू हो चुके हैं। ललित मोदी गुट ने अपनी बात रखने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज आमिन पठान गुट जो है वो भी प्रेस से मिला है। क्या कहना आमिन जी आपका, किस जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या कहना आपका पूरे के पूरे इस मामले को लेकर के? न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और एक महीने का वक्त दिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। हम अविश्वास प्रस्ताव निश्चित तौर पे पारित करवा लेंगे एक महीने के अंदर। ललित मोदी जी के जो व्यक्ति है, जो उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वो हमारे लोगों को प्रलोभन दे रहे, लालच दे रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के लोग, उनकी कोई कीमत नहीं होती है, वो किसी तरह के प्रलोभन या लालच में आने वाले नहीं हैं। ललित मोदी जी लंदन में बैठ के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को रिमोट से चलाना चाहते हैं और उनकी वजह से BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर बैन सस्पेंड कर दिया है। आने वाले वक्त में बैन की भी तैयारी है। तो राजस्थान की क्रिकेट को बचाने के लिए, राजस्थान क्रिकेट के हितों की रक्षा करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अमीन पठान की या विवेक व्यास या इकबाल मोहम्मद इकबाल की नहीं है, ये पूरे राजस्थान क्रिकेट के हजारों हजारों क्रिकेट प्रेमियों की और क्रिकेट जो यहाँ पर चलाते हैं उन लोगों की है। मोदी जी की वजह से हो रहा है ये आपका कहना, लेकिन कहीं ना कहीं ललित मोदी ने आपका स्वागत की बात कही है, उनके कानूनी सलाहकार ने, आप उनसे किस तरह का आग्रह करना चाहेंगे, अपील किस तरह की करना चाहेंगे सरकार से और ललित मोदी से? हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि राजस्थान क्रिकेट के लोगों ने आपको पूरा मैंडेट दिया था, पूरे 29 लोगों ने आपको समर्थन किया था, क्योंकि आपने आश्वासन दिया था कि राजस्थान क्रिकेट का मैं कभी बुरा नहीं होने दूंगा, मैं अच्छा करूंगा। आपकी वजह से BCCI ने राजस्थान को सस्पेंड कर दिया। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, आप अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए, ताकि राजस्थान की जो पेरेंटल बॉडी है BCCI, जो RCA की पेरेंटल बॉडी है, वो वापस से एप्लीकेशन दे दे, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, यहाँ पे IPL के मैच हो सके, यहाँ पे वनडे हो सके, राजस्थान की टीम अपने नाम से खेल सके और यहाँ पे जो अनुदान जो रोक दिया गया है BCCI की ओर से वो भी मिलना शुरू हो जाए। क्या मानते हैं आप, आमिन पठान ग्रुप जब कुर्सी संभालेगा RCA की, जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये सब चीज़ें वापस अपने आप पटरी पर लौट जाएगी, जिस तरह से IPL मैचेज होना, खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना, ये सब चीज़ें क्या वापस पटरी पर लौट आएगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि BCCI के लोग जो है उनका झगड़ा RCA से नहीं है, उनका सिर्फ ललित मोदी जिनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ है, लाइफ टाइम बैन लगाया हुआ है, उनसे झगड़ा है। जब ललित मोदी यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो सब चीज़ें वापस पूरी तरीके से वापस सुचारू रूप से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ललित मोदी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं आमिन पठान। ललित मोदी के ग्रुप ने भी स्वागत करने की बात कही है कि अगर आमिन पठान वापस ललित मोदी के ग्रुप में आना चाहें तो वो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आमिन पठान ने उन्हें नसीहत दी है और कहा है कि वो अपने काम धंधों की ओर ध्यान दें, ना कि क्रिकेट की ओर, क्योंकि क्रिकेट से उनका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आमिन पठान ने यह भी दावा किया कि कहीं ना कहीं आमिन पठान का जो ग्रुप है, जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ ग्रुप है, अगर वो सत्ता में लौटा, यानी RCA की सत्ता में वो वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को, राजस्थान के क्रिकेट को कोई एक नया उजाला देने की उन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। अगली खबर में आती नजर करेला करौली रमा ट्रैफिक रा नियमा ने तोड़वा ने मंगलवार ने भाजपा रा जिलाध्यक्ष का बेटा ने वो काम भारी पड़ गयो। हालांकि जिलाध्यक्ष रा बेटा पुलिस आला ने सत्तारी दोष भी दिखाई, पर पुलिस आला कोनी मानिया और नेता की बाइक ने जब्त कर ली। वो मामलो भाजपा रा जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंगल रा बेटा अभिषेक से जुड़ियोड़ो है, जो बाइक माथे दो और लोगों ने फूटाकोट बाजार में बिठार जारी हो, पर ड्यूटी माथे मौजूद हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह तीन सवारियां देख बाकी ने रोक लियो और नेता रो बेटो इस दौरान कांस्टेबल माथे बिफर गयो और बिने नौकरी से हटावा की धमकी तक दी। पुलिस आलो भी को चालान काट्यो, पर अभिषेक चालान माथे दस्तखत कोनी करया, जी के पाछे 207 MV एक्ट के तमाम मामला रिमाए बाइक ने जब्त करी गयो। जेल रिमाए बंद हुयोड़ा कैदिया रे वास्ते लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसू बे ज्ञान लेर आपरा जीवन ने फेर से सुधार सके। साक्षर भारत मिशन रे तहत भरतपुर री सेंट्रल जेल सेवर रिमाए कैदिया का पढ़बाण ने अनपढ़ कैदिया ने आखर ज्ञान खातर पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करेगी। सेंट्रल जेल सेवर रिमाए वर्तमान रिमाए 50 अनपढ़ कैदियों की क्लास चल रही है। रिमाए पड़ियोड़ा कैदी और प्रेरक ही अठे पढ़े करे है। जेल प्रशासन रो मकसद है कि वे अनपढ़ कैदियों ने पढ़ावे, जिसु फिर वे सामाजिक जीवन रिमाए चौका ढंग से वापसी कर सके और जो कैदी पड़ियोड़ा है वे बने किताबा पढ़ावा में मदद कर सकेला।
धौलपुर जिला री कोतवाली थाना इलाका री गणेश नगर कॉलोनी के मायने एक बार फिर सु चोर पुलिस की गश्त व्यवस्था ने ठेंगो दिखार सोना पड़िया मकान सु 10,000 रुपया की नगदी अल्लाखों रुपया का गहना गाठी ले फरार वेगा। मकान मालिक आपरा परिवार के साथ करौली माता का दर्शन खातिर गए उड़ा। दूसरी तरफ बाड़मेर शहर का शास्त्री नगर में माए एक मोटियार जेवरात पाची लेर ब्याव कर बीननी ने लेर पुगियो हो और थोड़ी देर पाचे ही रेल की सामने कूद आत्मघात कर लियो। जानकारी के हिसाब से शास्त्री नगर में रेबाड़ो गेनाराम देशांतरी एक दिन पहले ही बी को ब्याव हुयो हो और बुधवार ने बरात बीननी ने लेर पाची बाड़मेर आई है। थोड़ा घंटा पाचे ही बीननी का घराड़ा धार्मिक मान्यता का हिसाब से बिन पाछा पीर ले जाबा की बात बोलिया। जोधपुर लेर जद बे आबा लाग्या तो दूलो कोनी मारियो पर बीननी का घराड़ा बिन लेर बीर वेगा एक पाछे बो रिसाई गयो और गेनाराम रिसाइडो रेल की सामी आर आत्मघात कर लियो। घटना की सूचना मिलिया पाछे सीआरपी पुलिस मौका माते पुगी लाश रो पोस्टमार्टम करवायो और मोर्चरी में रखवायो। सवाईमाधोपुर में आज न्यारा न्यारा सड़क हादसा में दो मिनका की मौत होगी। जिला रवाजना डूंगर थाना इलाका का बोदल खाल का कन्ने पुड़िया मोड़ माते एक कार पलट गई जिसके मायने मोटियार की मौत होगी। घटना में तीन लोग आया और एक टाबर समेत आठ लोगों ने चोटा भी आई। दो मिनका ने गंभीर हालत में जयपुर पुगाई गयो। अब प्रदेश रे बेरोजगार लुगाई रे वास्ता बड़ी अचोखी खबर है कि वे खुदरा तैयार करियोड़ा माल की बढ़िया तरीका से मार्केटिंग कर मुनाफा कमा सकेला। प्रदेश रे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लुगाई ने खुदरा पगा माथे खड़ा कर बने प्रदेश की 67 पंचायत समितियां रे माए धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र खोलिया जावेला। राज्य सरकार हाल ही रे माए धनलक्ष्मी केंद्र ने खोलवारी मंजूरी दी है जिया पंचायत समितियां रे माए ये केंद्र बने हैं। बटे लुगाए ने बिजनेस करवारा गुर सिखाया जावेला। नयो बिजनेस शुरू करवा ने बैंका से लोन बने दियो जासी और नई लुगाए रे वास्ते स्वयं सहायता समूह गठन भी करया पाचा अन प्रशिक्षण देवा काम होलो। झुंझुनू रे माए केंद्र वास्ते जमीन भी चिन्हित करेगी। भरतपुर में सरकार की तरफ सौ करोड़ों रुपया खर्च कर काश्तकारा की सुविधा वास्ते बनाया गया होटल नुमा किसान भवन रमाया चमकादड़ कबूतर आपरो डेरो बना लिया है। काश्तकार ने की सुविधा को लाभ को नहीं मिल रही है। किसान भवन रो उद्घाटन 5 सितंबर 2008 ने भव्य समारोह के मायने करियो गयो हो पर अबे किसान भवन ने देखभा सु लाग रही है कि रमाय बुआरी तक को नहीं हुआ। हाल रमाय बनेड़ा ई भवन ने न चौकीदार है और न ही कोई संभाल बड़ो। आज रहा समाचार में इतो ही। आगे देखो जयपुर को हाल पूनम शर्मा किला। राम राम साहब।